हेलो स्टूडेंट्स, हैव गुड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपनी कक्षा पाँचवीं के व्याकरण का टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है लुकोक्तियाँ। लुकोकित शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक प्लस उचित, जिसका अर्थ है लोक में प्रचलित। इसे कहावत भी कहते हैं। लुकोकित प्राय लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। लुकोकित के प्रयोग से भाषा सुंदर, रोचक और प्रभावशाली बन जाती है। अब हम इसके क्या पढ़ेंगे, परिभाषा। तो मानव जीवन के अनुभवों के सार को लुकोकित या कहावत कहते हैं। अब हम कुछ लुकोक्तियां व उनके अर्थ और वाक्य में प्रयोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है आगे कुआं पीछे खाई, यानी चारों तरफ मुसीबत का होना, कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें, सामने दुश्मन की तोप, आग उगल रही है और पीछे दलदल है, इसे कहते हैं आगे कुआं पीछे खाई। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ। मैंने पांचवी कक्षा की व्याकरण की पुस्तक पढ़ने के बाद आधे दामों में बेच दी, इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। ऊंची दुकान फीका पकवान, दिखावा अधिक वास्तविकता कम। अग्रवाल स्वीट्स का नाम तो बहुत सुना था, आज देख भी लिया, किसी ने सच कहा है, ऊंची दुकान फीका पकवान। खोदा पहाड़ निकली चुइयां, बहुत प्रयत्न के बाद बहुत कम लाभ। उसने लाखों रुपए लगाकर व्यापार शुरू किया, परंतु केवल 500 रुपए मासिक का मुनाफा हुआ, इसे कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चुइयां। चिराग तले अंधेरा, अपनी बुराई न दिखाई देना। दिल्ली कहने को भारत की राजधानी है, परंतु सबसे अधिक अराजकता यहीं पर है, इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, दुष्ट व्यक्ति प्यार से नहीं मानते। बहुत कहने पर भी अपराधी ने अपराध स्वीकार नहीं किया। जब पुलिस ने पिटाई शुरू कर दी तो उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। सच ही है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। घर का भेदी लंका ढाई, आपस की फूट से घर तबाह हो जाना। घर में कभी चोरी न होती अगर छोटू चोरों का साथ न देता। याद रखिए, घर का भेदी लंका ढाई। मुँह में राम, बगल में छुरी, ऊपर से मित्रता अंदर से कपट। शर्त तुम्हारा सच्चा मित्र नहीं है, उसकी मित्रता तो एक दिखावा है, वह मुंह में राम बगल में छुरी रखता है। डूबते को तिनके का सहारा, मुसीबत में थोड़ी सहायता भी बहुत होती है। श्याम लाल के पास एक पैसा नहीं था, उसके सेठ ने 200 रुपए देकर डूबते को तिनके का सहारा दे दिया। नो नगद न तेरा उधार, अधिक मूल्य पर उधार बेचने से कम मूल्य का नगद बेचना अच्छा है। दुकानदार कम दामों में नगद बेचना पसंद करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं नो नगद है तेरा उधार। हींग लगे न फिटकरी, रंग चोखा होए, बिना पैसे लगाए लाभ प्राप्त करना। इंद्रजीत को उसकी मेहनत और लगन का पुरस्कार दिया गया और साथ में राहुल को 10 रुपए मिल गए। राहुल के लिए तो हींग लगे न फिटकरी, रंग चोखा होए वाली बात हो गई। जाको राखे साई या मार सके ना कोई, जिसका भगवान रक्षक है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। छोटा बच्चा तीसरी मंजिल से गिरा लेकिन उसे खरोंच तक नहीं आई, सच ही है जाको राखे साई या मार सके ना कोई। एक अनार सो बीमार, एक वस्तु के अनेक इच्छुक, दुकान में एक ही पेस्ट्री रह गई थी, कई लोग उसे लेना चाह रहे थे, यह तो वही बात हो गई, एक अनार सो बीमार। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपनी कमी छिपाने के लिए दूसरों पर दोष मढ़ना। मोनिका को खाना बनाना आता नहीं है और सब्जियों में कमी निकाल रही है, सही कहा है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो ये हमने क्या पढ़ी, ये हमने पढ़ी लुकोक्तियाँ। तो ये हमारे लुकोक्तियों वाला टॉपिक पूरा हो चुका है, कल हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।